अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइटेड। आज हम आपके लिए टी टाइम स्नैक्स में लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी, चिकन एग एंड मायो सैंडविच। ये बहुत इजी इनकी रेसिपी है, बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसमें लगते हैं। मैंने थोड़ी सी बंद गोभी काट ली है, बारीक बारीक सा मैंने इसको काट लिया है। एक कप में जो है वो मैंने चिकन को बॉयल करके रखा हुआ है और इसके अंदर जाएंगे 3 अदद अंडे जिनको हम फ्राई करके इसके अंदर शामिल करेंगे और उसके अलावा जाएगी इसमें ब्रेड। तो चलें हम अपने अंडों को तोड़ लेते हैं एक एक करके। हमने इन अंडों को फ्राई करना है बहुत, हमने इनको स्क्रैम्बल एग नहीं बनाना। इसमें हम बिल्कुल थोड़ी सी समझे 1 पिंच के बराबर जो है नमक शामिल करेंगे, 1 पिंच के बराबर ही हम इसमें काली मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों इनको मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम 2 टेबलस्पून के बराबर जो है वो दूध शामिल करेंगे। अंडों में दूध शामिल करने से जो है वो बहुत अच्छा जो है वो हमारे ऑमलेट का टेस्ट आता है। आप एक मरतबा ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा इस तरह से ऑमलेट बना के। तो चलें, पैन में हमने घी डाल दिया है, अब हम इसमें ये पूरा अपना अंडों का मिक्सचर जो है वो शामिल कर देंगे और चेक करते रहेंगे। जब एक साइड जो है वो इसकी अच्छी तरह से पक जाएगी पीछे नीचे से, तो फिर हम इसको पलटेंगे। हमने इसको स्क्रैम्बल नहीं करना है बल्कि हमने इसको इसी तरह स्लाइस में ही रखना है। थोड़ा थोड़ा सा साइड बीच में से ऊंचा करते रहेंगे ताकि ऊपर से बैटर जो है वो नीचे चला जाए। देखें, एक साइड हो गई है हमारी, हमने इनको पलट दिया है। इसी तरह से हम बाकी सारी चीज़ को पलट देंगे और जब हमारा दोनों साइड से ऑमलेट जो है वो तैयार हो जाएगा तो फिर हम उसको निकाल लेंगे। ये हमारा ऑमलेट जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम अपनी मायो का मिक्सचर बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 बाउल, उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जो चिकन मैंने बॉयल करके रखी हुई थी। इसको मैंने नमक के साथ बॉईल किया था। फिर इसमें हम जितनी बंद गोभी रिक्वायर्ड होगी हमारी उस हिसाब से हम डाल देंगे। अगर आपको बंद गोभी नहीं डालनी है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, आप चिकन और मायोनीज का ही भी बना सकते हैं, लेकिन आप ये डाल के देखिएगा, बहुत आपको मज़ा आएगा। 1/2 कप के बराबर जो है वो इसमें हम मायो शामिल कर देंगे। उसमें हम 1/2 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करा है हमने और 1/2 टीस्पून के बराबर ही हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसको हम साइड पर रख देंगे मिक्स करके। ब्रेड के हमने किनारों को काट लिया था, अब ब्रेड का 1 पीस रखेंगे और उसके अंदर हम अपनी चिकन और वेजिटेबल और मायो का मिक्सचर लगाएंगे। फिर उसके ऊपर हम जो हमने एग फ्राई करके रखा था हम वो उसके ऊपर रख देंगे। फिर हम एक और ब्रेड का स्लाइस जो है वो इसके ऊपर रखेंगे और फिर दोबारा से हम इसके ऊपर मायो का मिक्सचर रखेंगे। अच्छी तरह से इसको इसके ऊपर पूरा स्प्रेड करेंगे और फिर दोबारा से अपनी ब्रेड का स्लाइस रख के इसको अच्छी तरह से हम दबा देंगे। देखें, हमारा मज़ेदार किस्म का और इंतहाई सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ सैंडविच जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और देखें कितना रिच लग रहा है ये देखने में, बहुत ही इसका लाजवाब और उम्दा टेस्ट होता है। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इसको अपने टी टाइम स्नैक में या बच्चों को आप अपने लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे हमारे माशाल्लाह से सैंडविच बनके तैयार हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। तो चलें, इसको जल्दी से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाइटेड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे दोबारा किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।